अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो के। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं है। आप लोग जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि कोरोना वायरस की वजह से और ईटीए आपने कंप्लीट किए हैं, तो आप लोग आजकल फ्री हो गए और आप लोग वेट कर रहे हो कि अपनी वर्कशॉप्स का, तो सोचा आप लोगों के साथ एफपीएससी के और पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक बुक मुझे मिली है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मुझे बताओगे तो इंशाल्लाह मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है रिलेटेड टू सीएसएस पीएमएस और तमाम टेस्ट से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। और आप जो है वीडियो को लाइक करोगे और मुझे बताओगे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सारा डाटा जो अवेलेबल है मेरे पास उसको मैं शेयर करूंगा। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान, कायदे आजम, ठीक है। उसके बाद आफ्टर हाउ मेनी ईयर पाकिस्तान गॉट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, 9 साल बाद पाकिस्तान ने 9 साल बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिया था, 1947 में नहीं, 9 साल कैसे, तकरीबन 1947 के बाद जो है 56 के अंदर पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था। इस तरह इस पे जो पाकिस्तान से रिलेटेड ये एमसीक्यूज आप लोग देख रहे हो, उसके बाद एट द एंड तक आप वीडियो देखोगे, एंड में आपको डिस्क्रिप्शन यहीं पर लिंक भी शो हो जाएगा। माई व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड, यानी कि आपने ये पाकिस्तान से अगर आपका सवाल आते हैं, पाकिस्तान आपने अपना कोर्स में देखना है अगर पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप रीड आउट कर लोगे तो इंशाल्लाह आपके इसी में से ज़्यादातर सवाल बनेंगे। और इसका करेक्ट ऑप्शन देखने का तरीकेकार ये है, जो भी बोल्ड होगा इसको आप लोग देख सकते हो, इसको आप सेलफोन में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास सेलफोन में डाउनलोड होने के बाद ओपन नहीं हो रही ये फाइल, तो आप गूगल ऐप स्टोर से पीडीएफ ओपनर के नाम से या पीडीएफ ओपन के नाम से आप एक सॉफ्टवेयर होगा उसको डाउनलोड करोगे तो ये फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये शुरू में पाकिस्तान से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड हैं। हो सकता है आपको अगर रिजल्ट ना शो हो रहा हो तो ये साइड पर नीचे गोल आइकॉन बना हुआ है, उसके ज़रिए आपने जो है वीडियो की क्वालिटी को इनक्रीज़ करोगे, ठीक है। अब इसमें जो है पाकिस्तान से रिलेटेड अब और कौन कौन से आपने क्या करना है, मदर मिलत फातिमा जिना डाइड इन ईयर, कौन से ईयर में फातिमा जिना जो है उनकी डेथ हुई थी, वो 1967 है, ठीक है। अब इसी तरह और कौन क्या सवाल बन सकते हैं, और आपके सवाल बन सकते हैं कि फातिमा जिना जो है वो उनका पेशा कौन सा था, वो डेंटिस्ट थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पहले सबसे पहले उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, ठीक है, वो आप देख सकते हो। उसके अलावा आप और क्या देख सकते हो, और आप कायदे आज़म, अब कायदे आज़म से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कायदे आज़म की वाइफ का नाम, कायदे आज़म की वाइफ का नाम क्या था, वो आप देखो सर्च करो, ठीक है। नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान इज पीके, अब पाकिस्तान का जो कोड है वो पीके है, पीके वन नहीं है। नेशनल बर्ड जो है वो पाकिस्तान का वो चिकोर है, नेशनल एनिमल मार्खोर है। इसी तरह जो सिंध प्रोवेंस का कितने किलोमीटर है ये आप लोग देख, जी एच क्यू जनरल हेडक्वार्टर होता है, ये अक्सर आता है, के आर एल खान रिसर्च लेबोरेटरी है, ये कहाँ पे है, ये आई थिंक इस्लामाबाद और कराची दोनों जगह इसके सब कैंपसेस हैं। हु इज़ द फर्स्ट सी इन सी नेवर, तो ये आप देख सकते हो। इसी तरह इसमें आपको और क्या मिले मिल सकता है, टोटल 400 जो 3 पेजेस हैं। एच आई टी स्टैंड फॉर हैवी इंडस्ट्री टेक्सटाइल, ठीक है। इसमें अब टेक्सटाइल से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन सा है। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी कमांड ऑफ स्टाफ कॉलेज इन लोकेटेड इन क्वेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लोकेटेड इस्लामाबाद, जो नस्ट है, ठीक है, वो कहाँ पर है। इसी तरह आपसे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों ने अक्सर पेपर्स में देखा होगा, दी हाइएस्ट माउंटेन ऑफ के पी के, ठीक है, इसमें अब ये कौन सी है, लार्जेस्ट सिटी जो है वो पिशावर है। उसके अलावा तरबेला डैम, वो बहुत दफ़ा आता है, तरबेला कहाँ पर है, मंगला कहाँ पर है, और दूसरे जो डैम्स हैं वो किस किस जगह पर हैं, आपने ये चेक करना है। इसके अलावा आप जो है लार्जेस्ट सिटी वगैरह देख सकते हो,
ये इसमें पाकिस्तान से मोस्टली रिलेटेड है। मैं इसको ज़्यादातर वीडियो लॉन्ग ना हो इसको आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें पाकिस्तान से ना सिर्फ बल्कि ऑल ओवर तकरीबन 400 और तकरीबन 1000 के करीब करीब एमसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यू हैव टू चेक। ठीक है, आपको इसको डाउनलोड करने का तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने डाउनलोड किस तरीके से करना है। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहला काम आप जो है वो आपको मैं वीडियो के थ्रू ही गाइड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको एक वीडियो प्ले करके मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपने किस तरीके से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहला काम, आप अगर मेरे चैनल ए आई यू इन्फो पर न्यू हो तो मेरे चैनल ए आई यू इन्फो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। जैसे ही वीडियो लॉन्ग होती है लोड हो जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे इसमें तकरीबन जनरल नॉलेज से रिलेटेड 400 अगर आप यही कर लेते हो तो आप कम से कम पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकते हो। उसके जस्ट लोड हो जाए, जस्ट इसको मैं लोड करके मैं आप तो आप लोग जैसे ये देख रहे हो वीडियो लॉन्ग लोड हो चुकी है। उसके बाद ग्रामरली बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके ज़रिए ग्रामर जो है वो करेक्शन बहुत ज़बरदस्त होती है। इसके बाद वायरक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी साइट है, फ्री वेबसाइट वगैरह अगर कोई जो बनाना चाहता है वो बना सकता है। तो इसमें सबसे पहला काम सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है, साथ बेल का आइकॉन प्रेस कर देना है। दूसरा, यहाँ पर आपको लिंक शो हो रहा होगा, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है बुक को। अगर बुक डाउनलोड हो जाती है और आपको अच्छी लगती है मेरी बुक तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मुख्तलिफ क्वेश्चन SCS PMS से रिलेटेड शेयर कर दूंगा जो कि आपके लिए जॉब से रिलेटेड हेल्पफुल होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना और मेरे चैनल यू इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है।